सोशल मीडिया पर इस वक्त अखिलेश यादव का ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है। इस वीडियो को देखकर हर किसी को लग रहा है कि अखिलेश यादव इस युवक से पैसे मांग रहे हैं जिसका जन्मदिन है, लेकिन ऐसा नहीं है। इस पूरे वीडियो को एक अलग नजरिए से सोशल मीडिया पर चलाया जा रहा है। दरअसल वीडियो शुरू होने पर सड़क पर कुछ गाड़ियां नजर आती हैं, फिर दूसरी गाड़ी रुकती है, लोग भैया भैया कहकर गाड़ी रुकवा देते हैं। इसके बाद अखिलेश दरवाजा खोलकर प्रशंसकों से मिलते हैं और लोग बताते हैं कि इसमें से एक शख्स का जन्मदिन है। इस पर फौरन अखिलेश बोलते हैं, लाओ 100 रुपए। सुनने में तो ऐसा लगता है कि वो कार्यकर्ता से ही पैसे मांग रहे हैं, लेकिन असल में वो कार्यकर्ता को देने के लिए पैसे अपने लोगों से मांग रहे हैं। इसके बाद उस कार्यकर्ता ने भेंट देते हुए और 100 रुपए स्वीकार करते हुए अखिलेश के साथ फोटो भी खिंचवाया। देखिए पूरे वीडियो में क्या क्या हुआ। हालांकि सोशल मीडिया पर इसको लेकर कई तरह की प्रतिक्रियाएं भी मिल रही हैं। मोनू यादव नाम के यूजर ने अखिलेश यादव को टैग कर लिखा, जी बहुत शानदार व्यक्तित्व वाले नेता हैं, उनका स्वभाव बहुत ही सौम्य और शालीन है, वो सबसे मिलते हैं और सबकी बातें सुनते हैं। आलोक गुप्ता नाम के यूजर ने लिखा, नेता को सहज होना चाहिए, हर समय चेहरे पर अकड़ और गुस्सा भी सही नहीं लगता, नेता भी तो आदमी ही होता है, हंसी मजाक तो ये भी कर सकते हैं। कुछ लोगों ने अखिलेश यादव की तारीफ की तो कुछ लोगों ने इस पोस्ट पर उन्हें सुनाया भी। वीके त्रिपाठी नाम के एक यूजर ने कहा, टोटी चोर कब से महान हो गया, कुछ सीटें क्या आ गई, सपाइयों का आतंक शुरू हो गया, बलात्कार गुंडागर्दी शुरू हो गई और इसका एक बयान नहीं आया, अर्थात मौन समर्थन है इसका। 1 लाख का झूठा प्रलोभन देकर कुछ सीटें मिली हैं, इसको इस बार बिल्कुल साफ होगा। वहीं प्रदीप मिश्रा नाम के यूजर ने लिखा, इनके जैसे दम्भी अकड़ अभिमान वाला नेता पूरे प्रदेश में नहीं, लोगों से मिलकर एहसान नहीं कर सकते, ऐसे जनता के बल पर ये नेता हैं, वरना अखिलेश बनकर रह जाएंगे। बहरहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट में जरूर बताएं।